हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, आज सभी के आप सभी के लिए मैं आपके यूपी पॉली के एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड और क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं, ज़्यादा टाइम लेते हो। तो चलिए, आज से आप सभी को कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, जो जल का पीएच मान है वो आपका 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन, बारूद बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया था। बारूद बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया था, जो बारूद है उसको बनाने के लिए कौन से लवण का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, उसका आंसर होगा सही पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट, उसका फार्मूला होता है आपका KNO3। हालांकि KNO3 जो आपका ऐसे रहेगा, आपका KNO नीचे रहेगा 3, ओ के बाद नीचे आपका 3 रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो आपका है, बारूद बनाने का लवण है जो, ओ के एन ओ 3 होता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स देखिए, तीसरा क्वेश्चन है स्टार्च एवं सेलुलोज किस बहुलक के उदाहरण। तो स्टार्च एवं जो सेलुलोज है, उनका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक बहुलक, यानी जो स्टार्च और सेलुलोज होते हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल बहुलक होते हैं। चौथे क्वेश्चन को बढ़िए, चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका, बेंजीन C6H6 क्या है। जो बेंजीन आपका C6H6 क्या है, तो आंसर इसका करेक्ट होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन जो आपका होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। पांचवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को दो तीन टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आंसर देख ली इसका, क्लोरीन, यानी क्लोरीन गैस जो होती है फूल का रंग उड़ा देती है। यानी कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन गैस का फूलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलों का रंग उड़ा देती है। तो इस टाइप से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो जो क्लोरीन होता है फूलों का रंग उड़ा देती है। इसे याद रखिए, आपका कोई भी किसी टाइप से भी घुमाए आपका सही आंसर देना है आपको। छठवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, छठवां का सुपर फास्फेट को किस प्रकार बनाया जाता है। जो सुपर फास्फेट हो किस प्रकार बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स उसको बनाया जाता है आपको सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीस कर, यानी हड्डियों को पीस कर सुपर फास्फेट को बनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, मैंने दो तीन चार आपके टॉपिक जो होते हैं केमिस्ट्री में फुल फॉर्म पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है ये भी। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, TNT का पूरा नाम, कई बार पूछा है TNT का पूरा नाम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टी से ट्राई, एन से नाइट्रो, यानी और टी से टाइलुइन। फ्रेंड्स थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइलुइन लिखा गया, लेकिन इसका टी से टाइलुइन होता है। यहाँ पर त की जगह ट रहेगा, यानी टाइलुइन, और टा रहेगा मतलब टाइलुइन रहेगा। तो TNT का पूरा नाम होता है आपका ट्राई नाइट्रो टाइलुइन। चलिए अब देखिए, ये भी फुल फॉर्म पूछता है आपको, आठवां को भी TNP याद दीजिएगा, TNP भी कन्फ्यूजन वाला होता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। अब TNP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, TA का होता है ट्राई, N का नाइट्रो, और P का फिनॉल, यानी बस T और P का अंतर रहेगा आपका और सेम रहेगा, तो यानी TNP का पूरा नाम हो जाएगा आपका ट्राई नाइट्रो फिनॉल। नौवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नौवां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, ये भी है फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, TNG का पूरा नाम। तो TNG का जो फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम होता है केमिस्ट्री आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है आपका TNG का पूरा नाम होता है। चलिए दसवें और लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, काफ़ी मेहनत करने के बाद वीडियो बनता है। एंड कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए और फेसबुक पेज से भी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो दसवां क्वेश्चन देखते हैं, दसवां क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन दोहरा गया, साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स साबुनीकरण होता है करेक्ट आंसर, या तो कभी कभी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि साबुनीकरण की क्रिया क्या है, या किस क्रिया के लिए की जाती है, तो उसको जो साबुनीकरण होती है आपकी साबुन बनाने की क्रिया के लिए की जाती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेंड्स आशा वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।